अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए मेरे साथ पिछले वीक की रूटीन को इन्जॉय करें। ब्लेंडर जग के ब्लेड शार्प करने का मेथड मैंने यूट्यूब पर देखा था। हम घर में पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो ये गलती से आ गया वाइट सॉल्ट, तो इसे कहीं ना कहीं तो यूज़ करना था। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इसका रिव्यू जो है वो आपको दिया जाए कि वाकई ये काम करता है कि नहीं। तो ये मेरा ब्लेंडर जग जो है ये नीचे जाम हो गया था, बहुत कम यूज़ होता है। तो फिर मैंने औरंगज़ेब से इसे खुलवा के तो इसमें सॉल्ट डाल के इसे काफ़ी देर चलाया। जग उतार के हिलाना पड़ता है क्योंकि ड्राई चीज़ है वो इसे जल्दी ज़्यादा देर मूव नहीं करता है। तो फिर इसे जब अच्छे से मुझे लगा कि ये शार्प हो गया है तो मैंने इसमें विम पाउडर डाल के इसे अच्छे से घुमाया, फिर इसे वॉश करके ड्राई कर लिया। फिर कपड़ा हाथ में था, मैंने कहा चलें इसकी मशीन को भी अच्छे से साफ़ करके तो नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी कर लें। फिर बाकी जो सॉल्ट बच गया इसमें हमने शार्प की अपनी ये कैंची, ये मेरी शादी से पहले की कैंची है जब मैं सिलाई सीखा करती थी तब की। तो इसे तो अब औरंगज़ेब ने हर चीज़ कट करनी होती है, पाइप भी इसी से कट करने होते हैं, फाइबर भी इसी से कट करना होता है। तो कपड़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं काटती थी, लेकिन ये थोड़ी देर ही इसमें चलाने के बाद जो है कपड़ा काटने लगी। सॉल्ट देखें कैसा जंग वाला हो गया है। बचपन में सुना था कि कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है, लेकिन बड़े होकर सोचा कि लड़ाई बगैर कैंची चलाने की भी हो जाती है, इसलिए कैंची पर इल्ज़ाम लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर बारी आ गई घर में ब्लेंडर जग को यूज़ करने की, जिस मकसद के लिए इसकी डिटेल सफाई की थी। हमें इंजॉय करना था मज़ेदार सा मैंगो शेक। मैंगो काट के फ्रीज कर दिए थे ताकि बहुत ज़्यादा आइस ना डालनी पड़े, गले सेंसिटिव हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये कि जब फ्रूट और दूध और चीनी ऐड कर दी जाए ब्लेंडर में, ब्लेंडर चलाया जाए तो इसे कंटिन्यूसली चलता रहने दिया जाए तो रेडी होता है बिल्कुल बाजार जैसा मज़ेदार मिल्क शेक, जिसे हमने मज़े से इंजॉय किया। और तबीयत नासाज होने की वजह से मैं दुरूद पाक की महफिल पे नहीं जा पा रही थी। तो इस थर्सडे को फिर मिलने आई मेरी महफिल की साथी सब मेरी तबीयत पूछने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। और जी मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड जो है उन्हें आना था आपी जान की तरफ, और कह रही थी कि वापसी पर आपकी तरफ भी चक्कर लगाएंगे। अम्मी जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं आप भी इधर ही आ जाएं, सब मिल के लंच करेंगे। और यहाँ छोटी भाभी बना रही थी बहुत मज़े के कबाब, जिन्हें आपको रेडी भी दिखाती हूँ अभी बाद में। और हसन बिलाल माशाल्लाह अपनी खाला के घर से आ गए हैं वापस आपी जान से मिल के। हमने हसन बिलाल से जो है हेलो हाय की तो हमें तो पता चला बड़ा शांत बच्चा है, लेकिन यहाँ पे रोइयाँ रोइयाँ का आ रहा था तो पता चला जी इसे इंजेक्शन लगे हैं, और दो इंजेक्शन की वजह से टांगें सूजी हुई हैं और री 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 लगाई हुई है। और यहाँ पर आ गई मेरी स्टूडेंट, इनसे हमने पहले भी मिलवाया हुआ है आपको, इनके छोटे से चुन्नू मुन्नू बच्चे माशाल्लाह देखें पहले से बड़े हो गए हैं। तो सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और फिर जी मेहमानों के आते ही सज गया ये लजीज दस्तरखान, जिसके रंगारंग पकवान बने दस्तरखान की शान और इसमें थी सबकी जान। कैसी टाइमिंग मिलाई, अच्छी लगी होगी आपको। मटन पुलाव था बच्चों की पसंद का, सब बच्चों को राइस बहुत अच्छे लगे, उसके साथ चपली कबाब थे और मज़ेदार से कोफ्ते थे। आपी जान और भाभी ने मिल के सारी कुकिंग की माशाल्लाह, रायता भी बना हुआ था वेजिटेबल, बहुत अच्छा लगा सबको। सब ने मज़े की बातें करते हुए जो है खाना इंजॉय किया। आपने भी यकीनन देख के खूब इंजॉय किया होगा, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये मज़े का दस्तरखान। हसन बिलाल के आ जाने के बाद अब्दुल हादी थोड़े से बड़े हो गए, अपने हाथ से खाना इंजॉय करने लग गए हैं अब। बचपन से ही मार खाने के डर से ये खेल खेलने से मैं बहुत अवॉइड किया करती थी, लेकिन जब कभी मजबूरन खेलना पड़ जाता था तो कबूतर ही चुना करती थी कि एक ही तो जानदार चीज़ है इसमें। यहाँ पे भी बच्चों के साथ खूब मज़े से हल्ला गुल्ला किया और चिड़ी उड़ी भी खेला इसके साथ साथ।
फिर फ्री होके चाय के साथ स्वीट सबने एंजॉय की और फिर हम घर वापस आ गए, क्योंकि हमें मिलने आना था बहुत दूर से, यानी सियालकोट से, मेरी ये प्यारी सी बचपन की साथी, मेरी कज़न। बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली के साथ मिलने आई, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।